सबूत ढूंढना है, तुम्हारे पिता की कातिल का पता लगाना है, और दोनों राज्य युद्ध की कगार पे हैं। ऐसा मत करो। नहीं चंद्रकांता, आज इस शिवदत्त को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। नहीं। छल से मुझे बोतल में कैद कर लिया और राजकुमारी चंद्रकांता सबूत के तौर पर मुझे नौगढ़ ले गई। वो तो भला हो उस तेज हवा का जो ऐन मौके पर आकर मुझे बचा गई, और महारानी पदविका के देखने से पहले ही मैं उस बोतल से आजाद हो गया। यानी थी अभी भी महारानी पदविका के पास। राजकुमारी जी की बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है। जी हवा का रुख हमारे साथ ही है ज्वाला। बिल्कुल, तभी तो राजकुमारी जी शिवदत्त के हाथों भी बच गई। क्या कहर बरपाया है उस शिवदत्त ने, न जाने कैसे इतनी विचित्र शक्तियों का स्वामी बन चुका है वो। ये बात तो हम भी समझ नहीं पा रहे हैं ज्वाला, बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है ज्वाला। यानी कि वीरेंद्र सिंह का काम तमाम शिवदत्त के हाथों। रुकिए, कौन है आप? सिपाही, आने दो इन्हें अंदर। वल्ला, जय आदित्य जी, स्वागत है आपका विजयगढ़ में, आइए। आइए, ये है हमारा कक्ष। हम महारानी पद्विका का पैगाम लेकर आए हैं। उन्होंने राजकुमारी चंद्रकांता को माफ कर दिया है और विजयगढ़ की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। वो नौगढ़ और विजयगढ़ के बीच युद्ध नहीं, शांति स्थापित करना चाहती हैं। वल्ला, वल्ला, वल्ला। इस दिन का तो हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये हुआ कैसे हम समझ ही नहीं सकते। चमत्कारी समझ लीजिए क्रूर सिंह जी। सचमुच महारानी पद्विका को लगता है कि राजकुमारी चंद्रकांता निर्दोष है और वो एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुई। ये तो हमें भी लगता है।
ये आवाज सुनी आपने? कैसी आवाज? हमें तो कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। किसी के कराहने की आवाज है। आपका वहम है हुजूर। शायद ये आवाज वहां से आ रही। क्रूसिंग जी, नहीं, ये आवाज वहीं से आ रही है। हमारा विश्वास कीजिए, कोई आवाज नहीं है। आपकी थकान है हुजूर और कुछ भी नहीं। और वैसे भी इतनी दूर से इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं, हमारे गले नहीं लगेंगे क्या? सही कहा आपने क्रूसिंग जी, बड़े अरसे बाद कोई खुशी का मौका आया है। बिल्कुल गले लगेंगे। नौगढ़ और विजयगढ़ की दोस्ती के नाम। वल्ला महारानी रत्नकर्मा। महारानी, क्या कर रहे हैं हम? और वो भी सिर्फ राजकुमारी जी के लिए। इस दुश्मनी की आग को बुझने नहीं देंगे कमबख्त। इस आग को तो इतना भड़काएंगे कि सब कुछ स्वाह हो जाए। नौगढ़ और विजयगढ़ के बीच कभी मित्रता नहीं होने देंगे हम। ये हम कसम खाते हैं। पागल हो गई थी तुम? अपनी जान क्यों दे रही थी? जान दे नहीं रहे थे, जान बचा रहे थे तुम्हारी। अगर हम ऐसा नहीं करते तो तुम वहां से कभी नहीं हटते। हमारी बात समझो वीरेन, ये वक्त शिद्दत से लड़ने का नहीं। वो बहुत शक्तिशाली हो चुका है। हमें सोचना होगा कि शिद्दत को कैसे हराना है और ज्वाला सिंह को कैसे पकड़ना है। फौज में शिद्दत को छोड़ता नहीं, चाहे मुझे कुछ भी हो जाता। चंद्रकांता, अगर तुम बीच में नहीं। ऐसे क्या देख रहे हो? फूलते चेहरे पे मिट्टी। महाराज, क्या हुआ क्रूर सिंह? आप इतने घबराए हुए क्यों? बहुत ही बुरी खबर लाए हैं महाराज। क्या कहें आपसे, नौगढ़ ने जय आदित्य के द्वारा यह संदेश भिजवाया है कि हम उनके सामने समर्पण कर लें या तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। हमें तो महाराज बस एक ही चिंता सताए जा रही, अपनी राजकुमारी जी की, जो उनकी कैद में। महाराज, अगर वो हमसे युद्ध करते हैं तो ये समझ लीजिए कि वो अवश्य हमारी राजकुमारी जी को मृत्यु दंड देंगे। अगर हमारी चंद्रकांता पर एक खरोच भी आई तो हम नौगढ़ को बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे नौगढ़ को। चतुरंगनी सेना को आक्रमण के लिए तैयार करें। अगर नौगढ़ युद्ध चाहता है तो हम अवश्य युद्ध करेंगे।
हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम एक साथ हैं। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता राजकुमारी। महारानी को भी यकीन हो गया है कि हम बेगुनाह हैं, हमने कत्ल नहीं किया। एक कत्ल तो किया है आपने राजकुमारी। कत्ल तो किया है आपने हमारा अपनी इन आंखों से। क्या सबूत है? हमारी आंखों में देखिए, आपको सबूत मिल जाएगा। फिलहाल तो हमें मिट्टी दिखाई दे रही है आपके चेहरे पर। और आप तो बहुत साफ सुथरी है ना? नहीं, पर हम जा रहे हैं पानी ढूंढने। अगर तुम्हारे भरोसे बैठे रहे तो पूरा दिन बस यहाँ बातें ही करते रहेंगे। हमारे होते हुए आप पैदल चले हमें अच्छा नहीं लगेगा। क्या हो गया आपकी सुनने और समझने की शक्तियों को? कितनी बार आपसे कहा है कि वीरेंद्र हमें ये भी चाहिए। अरे क्यों बचाना चाहते हैं आप उसे? जब भी मैं उस पर घात करता हूँ आप बीच में आ जाते हैं। दुश्मन है वो मेरा पिताजी, और दुश्मनों के साथ शिवदत्त कभी रिश्ता नहीं निभाता है आपकी तरह। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। मैं उसे मारूंगा तो जरूर, उसे मार के चंद्रकांता को हासिल करूंगा मैं पिताजी, क्योंकि चंद्रकांता सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब अकल अंधी हो जाए तो जुबान गंदी हो जाती है। एक चीज समझ लो, हम जो भी कर रहे हैं आपके हित के लिए कर रहे हैं। रुको, ये मिट्टी हमारी वजह से लगी है तो इसे साफ भी हम ही कर देते। ही देखते रहेंगे या मिट्टी भी हटाएंगे?
बोले तो झूठन खाए, और झूठ मैं बोलता नहीं। और सच ये है कि इन दोनों को अपनी आगोश में रहते रहते ये भी नहीं पता कि हवाओं का रुख बदल रहा है, और इन दोनों को ये नहीं पता कि ये हवाएं तूफान बनकर इनकी जिंदगी में कोहराम मचा देंगी। ऐसे क्या देख रहे हो? किसी ने देख लिया तो क्या होगा? अपनी होने वाली पत्नी को देख रहा हूं। आंखें खोलो मारे पुत्र, और यथार्थ को देखो। जिस वीरेंद्र को तुम मारना चाहते हो और जिस चंद्रकांत को तुम पाना चाहते हो, इन दोनों का मिलन ही हमारे तिलिस्म का द्वार खोल सकता है। अरे कैसा तिलिस्म? कौन सा तिलिस्म? हम नहीं मानते ऐसी मनगढ़ंत बातों को। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वीरेंद्र को मेरे हाथों से बचाने के लिए आपने कोई नया झूठ रचा हो? ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना पिताजी। वो चंद्रकांता हमें चाहिए किसी भी कीमत पर, और उसे अपना बनाने से कोई ताकत कोई शक्ति नहीं रोक सकती, आप भी नहीं। त्रिहट और बालहट आदि काल से चला आया है, जिसका आज तक किसी के पास कोई इलाज नहीं। हमें ऐसा लगता है कि हमें उस तिलिस्म की असीम और अलौकिक शक्तियों के दर्शन आपको कराने ही पड़ेंगे, तब शायद आपकी आंखें खुल जाएं। अब तक युवराज की कोई खबर नहीं आई, अब तक तो उसे पहुंच आना चाहिए था, और चंद्रकांता उसका भी कुछ पता नहीं। हे परमेश्वर, दोनों सही सलामत हो। महारानी को तेज सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। हाँ तेज सिंह, बोलो। महारानी, हम आपको ये सूचना देने आए हैं कि राजकुमारी चंद्रकांता और युवराज वीरेंद्र सही सलामत है, और युवराज राजकुमारी को विजयगढ़ छोड़ने के पश्चात ही नौगढ़ लौटेंगे। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है तेज सिंह, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जय आदित्य ने भी अब तक मेरा शांति संदेश महाराज जय सिंह को पहुँचा दिया होगा। अरे ये हमें कैसी अजीब जगह लेकर आए हैं आप? जगन्नाथ, दिखाओ इसे तिलिस्म के मायावी शक्तियों की असीम ताकत। तिलिस्म का हर एक कोना जादुई ताकतों से भरा हुआ है, और असली ताकत ये नहीं मेरे बच्चे, इसकी असीम शक्तियां हैं जो काल चक्र से परे जीवन और मृत्यु के चक्र को तोड़कर उसे अमृत प्रदान करती है। ये तो वीरेंद्र और चंद्रकांता है, ये कैसे संभव हो सकता है? संभव है मेरे पुत्र। ये चंद्रकांत और वीरेंद्र का पुनर्जन्म है।
ये राजा हर्षवर्धन और चंद्रिका है, इन्हीं के प्रेम मिलन से इस तिलिस्म का द्वार खुलना संभव है। सोचो, अगर ये तिलिस्म हमें हासिल हो गया तो हम इस ब्रह्मांड में सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिमान हो जाएंगे। रमल झूठ न बोले महाराज, किंतु समय के चक्र को रोकना किसी भी मनुष्य की शक्तियों से परे है। पहेलियां नहीं बुझाओगे पंडित, जो बोलना है साफ साफ बोलो। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु समय बहुत तेजी से बीत रहा है। 120 साल बीत चुके हैं, ये 121वां साल है। और आप जानते हैं कि इस वर्ष की अंतिम अमावस्या की रात से पहले यदि वो तिलिस्म की कुंजी हासिल नहीं की गई तो फिर कभी भी कोई भी उसे खोल नहीं पाएगा, कदापि नहीं। जानता हूं, ये तिलिस्म 121वें साल में स्वयं ही लुप्त हो जाएगा और फिर युगों लग जाएंगे इसे प्रकट होने में। हमने वर्षों इसका इंतजार, इसकी तपस्या, इसकी साधना की है। हम इसे ऐसे ही भंग नहीं होने देंगे पंडित जगन्नाथ। और इसी साल मैं इसे हासिल कर अजर अमर सर्वशक्तिमान हो जाऊंगा।